तो अभी जो हमारी ये करंट लोकेशन है वो देख रहे हैं आप, ये है देवबंद की लोकेशन है भाई। तो फ्रेंड्स अभी हम जयपुर जंक्शन में पहुंच चुके हैं, तो मेरे पीछे देख रहे हैं आप। हे वंस अगेन वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी हमने जितनी भी शॉपिंग है सब कर ली है, तो आज हमारी जो ट्रेन है वो है 10:25 पे पीएम पे है। अभी तो हम निकल रहे हैं, शाम हो चुकी है भाई। तो जितना भी सामान है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बैग दो ये पड़े हैं, एक ये है। तो नफीस ने जितनी भी शॉपिंग है यहाँ कर ली है, नफीस ने बहुत ही खर्चा करवा दिया मेरा। तो देख रहे हैं आप, इसके लिए ये दो बैग टूरिस्ट अमेरिकन टूरिस्टर के दो बैग लेने पड़े। तो एंड ये नफीस ये आ गया भाई, देख सकते हैं आप, बोर्ड का लिया हमने, ये इस पे प्राइस है 4000 प्राइस देख सकते हैं आप। चलिए नफीस इसको जल्दी से कर लें, खोल लें और देखते हैं कैसी क्वालिटी है इसकी, कैसा है ये। So guys, तो देख सकते हैं नफीस पीछे घूर रहा है भाई। अरे निकाल दी इतनी जल्दी, ओ वाव यार क्या कलरिंग है भाई। ये देख रहे हैं बोर्ड की है इस पे टैगिंग, तो इसको लगा के हम चेक कर लेंगे। ओ वाव इस पे यार नफीस ने म्यूजिक भी लगा के रखा और लग भी बहुत ही अच्छा रहा है, तो बहुत ही मजा आ रहा है इसमें। नफीस कह रहा है यार मैं ट्रेन में करूंगा क्या, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। मैंने कहा चलो ले लो यार। तो हमने यार टी शर्ट और कैप्री डाल दी है क्योंकि गर्मी बहुत होगी ट्रेन में। तो ये देख सकते हैं आप क्या हुलिया बना दिया हमने। अभी हम करेंगे ऑटो यहाँ से बुक करेंगे क्योंकि हमने कार यहाँ पे पार्क कर दी है। बेहतर होता है हम कार ही लेकर जाते, बल्कि क्या बताए आपको, बीच की कहानी रहने दो। तो चलते हैं फिर रेलवे स्टेशन, पेमेंट भी करनी है रूम की, तो देखते हैं कितना बिल बना है। मुझे लगता है 50,000 से ऊपर ही बना होगा। तो फाइनली अभी हमने रूम सारा चेक कर लिया, तो चलते हैं फिर बाहर। तो चलते हैं फिर लिफ्ट से नीचे, सामान तो हमारे पास बहुत ज्यादा है भाई, इसमें एडजस्ट हो पाएंगे नहीं वो डिपेंड है लिफ्ट पे। ये रहे हमारे तलत ब्रो, हाय। एंड ये रहा नफीस, ओ वाह नफीस का देख सकते हैं बोर्ड का, यार क्या बात है। तो हम आ चुके हैं लिफ्ट से बाहर, तो हमारा सामान भी यहाँ पे आने लगा है, फिर क्या करें, काउंटर पे करते हैं पेमेंट। तो देखते हैं बिल कितना बना है, बैग को रखते हैं यहीं पे। जितनी भी पेमेंट है वो सारी हमने कर दी है, तो अभी चलते हैं हम यहाँ से बाहर। तो देख रहे हैं आप हम चुके थे चार चिनार होटल्स पे। तो फ्रेंड्स हमने कर लिया यहाँ पे ऑटो, तो बैठ चुके हैं दलित ब्रो एंड नफीस। हैं तो भी ब्रिज पे तो देख सकते हैं आप, यार यहाँ पे तो बहुत ही जाम है। तो फ्रेंड्स अभी हम रेलवे पहुंच चुके हैं, तो जितना भी सामान है यहाँ पे हमने उतार दिया है। तो हमारी ट्रेन कुछ 2.5 घंटे लेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें जो ट्रेन है वो मिल चुकी है, शालीमार एक्सप्रेस, बहुत ही डेली ट्रेन है यार, क्या बताऊँ। ये तो दिल्ली से होके जाएगी राजस्थान जयपुर में, तो बहुत ही समय लगने वाला है क्योंकि ये ट्रेन 2 घंटे पहले ही लेट थी। ये है हमारे तलत ब्रो, तो सोए हैं ट्रेन में, कर रहे हैं इंजॉय एसी की ठंडी हवा। तो ऊपर सोए हैं नफीस कमर, ये देख रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं यार, ट्रेन का अच्छा प्लान का सही है। हाँ नेक्स्ट टाइम प्लान से ट्रेन से कभी नहीं। तो एक बार घर चल, तेरे को बापू क्या बताएगा, प्लेन क्या तेरे को टांगे पे भेजेगा, कोई बात नहीं देखिए। या पैदल तेरे को जाना पड़ेगा कोटा, तो नेक्स्ट टाइम देखिए, आज पहुंच जाए इस बार पहुंच जाए ना नेक्स्ट टाइम, फिर अच्छे से वो प्लान तो होगा। अच्छा छोड़ मेरे को, फर्स्ट टाइम तू बैठा कैसा फील करा वो मेरे को बता। हाँ अभी चलेगी तो फील होगा, अभी तो बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, मजा नहीं आ रहा कुछ, मजा नहीं आ रहा। यहाँ पे भी स्टार्ट है कहाँ पबजी, अभी आप बदलाव करते हो और क्या, गरीब को बदनाम मत किया करो। ये तेरे पापा देखेंगे व्लॉग यार, बिल्कुल मुझे। सो फाइनली नफीस चढ़ गया ऊपर, तो सनेहा एंड तलत और मैं मिडिल में है। तो अभी ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन चले तो हमें जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पे हम पहुँच जाए। तो ये है हमारे तलत ब्रो, देख रहे हैं आप इंजॉय कर रहे हैं ट्रेन का सफर। तो कल ये पहुंच जाएंगे कल तक जयपुर में, बहुत ही मुश्किल है इस ट्रेन के हिसाब से, मुश्किल ही लग रहा है जिस हिसाब से ये 2 घंटे लेट हो गई यार। फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग, तो अभी आप टाइम देख सकते हैं, टाइम क्या हुआ है यार, ये देख रहे हैं आप
टाइम हो चुका है 11:28। तो हम बैठे हैं शालीमार में। तो भाई शालीमार बहुत ही डीली ट्रेन है, क्या बताएं यार, इससे पहले हमारे 2 घंटे वेस्ट करवा दिए जम्मू में। तो फिर अभी चल रहे हैं, अभी हर जगह हर स्टेशन पे रुक रही है। तो इस वक्त इसमें जितने भी थे सभी एम्प्टी हो चुके थे। तो सहारनपुर से पानी भरा, तो अभी हमने फेस चेस धोया भाई, और क्या करें। तो ये है हमारे तलत भाई, कैसे सोए हुए। तो स्नेहा तो ऊपर सोई है, ये है नफीस कमर, हाय हाय एवरीबॉडी। तो सभी सोए हुए आलसी की तरह, और कर भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं, नहीं तो हमारी जो पुर से कोटा वाली ट्रेन वो छूटना चाहे, मुझे यही लग रहा है। हो सकता है उसकी टिकटें हमें कैंसिल करवानी पड़े फिर से, यार बहुत ही तंग पड़ चुका हूँ। इतनी टिकटें बना के कैंसिल करा के चार्जेस बहुत पे कर दिए मैंने। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब ये रहा हमारा ट्रैक। तो ये रहा जम्मू से जयपुर में। तो अभी जो हमारी करंट लोकेशन है वो देख रहे हैं आप, ये है देवबंद की लोकेशन है भाई। हमारा लंच अभी हुआ यार, तलत ब्रो कर रहे हैं एंड स्नेहा, ये नफीस कमर भी अभी स्टार्टर का काम कर रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं अब हम अभी जयपुर जंक्शन में पहुंच चुके हैं। तो ये रही लोकेशन, तो ये रहा ट्रेन का जितना भी है सब कुछ। तो यहाँ पे हैं ये तलत महमूद एंड सभी ये हैं। तो यहाँ पे इन्हें बनाया गांधी जी का स्टैचू बना है, तो देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स अभी हम जयपुर जंक्शन में पहुंच चुके हैं। तो मेरे पीछे देख रहे आप, चलिए चलते हैं अंदर। तो आपको बताते हैं फिर, यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन बनाया हुआ वो देखते हैं।